हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी बज रहे हैं 4:30 ओ प्यार भरा नमस्कार, अभी बज रहे हैं 4। ये तो टाइमिंग हो गया। तो तुम्हारा भाई कर रहा है व्लॉग शुरू इस समय, और ये व्लॉग आ जाएगा शाम को 6 बजे। अभी व्लॉग इसलिए लेट बना रहा हूँ क्योंकि आज मैंने डिस्कशन करना था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सब लोगों ने इतना कमेंट करा है, भाई घर का प्राइस तो बताता नहीं है यार, सारी बातें बता देता है, ये खरीदा कितने का ये बताओ, हमें भी लेना है। कुछ कमेंट्स तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं जब घर का प्राइस बढ़ जाएगा तब बताएगा भाई। कोई बात नहीं भाई, आज आपका भाई इस घर का चिट्ठा बट्टा खोल देगा कि कितने रुपए का है। अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो कितने रुपए चाहिए, और यहाँ आसपास में सोच रहे हो तो कितने रुपए चाहिए। अभी अभी अपनी एक डिलीवरी आई है अमेजोन से, टी शर्ट से शायद, अभी खोल के भी दिखाऊंगा। और चाय बना रहा है तुम्हारा भाई, चाय पीते पीते बात करेंगे, फीलिंग आनी चाहिए ना। हाँ जी, फीलिंग आएगी थोड़ी चाय पीते हुए। और गाने बज रहे हैं, सुनाई दे रहा है, फोन में बजा रखे हैं, लीड तो है नहीं, नींद आ रही थी, नींद खोलने के लिए क्या करा, थोड़ा वाइब चाहिए, तो मैंने कहा फोन में गाने बजा लो, लीड है नहीं, लीड मंगानी पड़ेगी। चाय के दर्शन कर लो, बेहतरीन एकदम, एक नंबर। आओ जी चाय पी लो। तो भाई चाय हो चुकी है अपनी तैयार, फटाफट से छान लेते हैं और चलते हैं, चाय पीते पीते बात करते हैं। हाँ जी, तो आप सभी ये जानना चाहते हो कि भाई ये फ्लैट कितने का लिया है, कितने का पड़ा है, और अगर आप इस एरिया में फ्लैट लेना चाहते हो तो आपको कितने का मिल जाएगा, कितना पैसा आपकी जेब में होना चाहिए सो दैट आप फ्लैट खरीद पाओ। तो मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो फ्लैट की कीमत जानने के पीछे का रीजन मेरे समझ में नहीं आया। चंदा वंदा देना चाहते हो तो डायरेक्टली दे दो यार। मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये फ्लैट लिया था 2023 अक्टूबर में, यानी पिछली साल, अभी चल रहा है अपना अगस्त, आप कह सकते हो 8 महीने हो गए मुझे लिए हुए, 8 तो नहीं 10 महीने हो गए, ठीक है जी, करेक्ट करेक्ट बोले तो अक्टूबर से लेकर हमने अप्रैल तक इस घर में रेंटीज को रखा। इनफैक्ट अप्रैल में हमने उनसे कह दिया था आप छोड़ दीजिएगा, मतलब मार्च एंड तक रखा हमने, अप्रैल पूरे हमने काम करवाया इस घर में। जैसे आपने देखा ये पेंट वगैरह बाकी सारा सामान भी मैंने आपको बताया हम नया लाए हैं, कुछ भी पुराना नहीं था जो शिफ्ट कराना हो, सब एक एक करके खरीद के रखा। तो अप्रैल में काम हुआ, वॉल सीलिंग पेंट जो भी छोटे छोटे मोटे मोटे काम थे सब काम कराए, और सामान शिफ्ट करा हमने, सब कुछ ले ला के फिट हो गए हम। 10 मई को हमारा गृह प्रवेश था अक्तिज वाले दिन, और उसके बाद धीरे धीरे काम चलता रहा और हम यहाँ रह रहे हैं, मई से रह रहे हैं, यानी आप कह सकते हो 10 मई से, यानी मई जून जुलाई अगस्त, ये हमारा चौथा महीना रनिंग है अभी हम जब हम इस फ्लैट में रह रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट प्राइस तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं कैलकुलेशन पूरी बता दूंगा। डायरेक्ट प्राइस इसलिए नहीं बता पाऊंगा भाई क्योंकि आपको भी पता है कि ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, कुछ नियम कायदे कानून के चलते। चाय अपनी ठंडी हो गई यार, बात करते करते मैं भूल गया, चाय पी लो, रस तो खा लिए थे मैंने, चाय भूल गया मैं। तो आपको मैं पहले तो बता दूं, अगर आपको इसी सोसाइटी में, मतलब ये जो सोसाइटी है इसमें अगर आप घर ढूंढ रहे हो, तो इसमें आपके पास वैरायटी है 2BHK, 1BHK और 3BHK। 3BHK के 2 साइज हैं, 2BHK के शायद 4 साइज हैं, और 1BHK एक सामने सिंगल साइज है, ठीक है। 1BHK इसमें पड़ता है करीब करीब, मेरे को जहां तक मेरे को पूरी तो पता नहीं है क्योंकि मैं कोई रियल एस्टेट में काम नहीं करता, बट जहां तक मुझे पता है 40 से 50 के बीच में आपको 1BHK पड़ता है। 1BHK महंगा है यहाँ, इसलिए महंगा है क्योंकि उसको रेंट पे चढ़ाना बहुत आसान है, और उससे जो रेंट आता है वो ऑलमोस्ट 2BHK जितना आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप 1BHK लो रेंट पे चढ़ाओ 15,000 से 16,000 रुपए आपके खड़े हो गए, ठीक है जी, और तुरंत चढ़ जाता है 1BHK। 2BHK में अलग अलग साइजेस हैं, तो कहना मेरे लिए मुश्किल है कितने से कितने में मिलेगा, बट 900 स्क्वायर फीट के पास का एक साइज है जो आपको 50 से 60-65 के बीच में मिल जाएगा, ठीक। और ये शायद 2BHK का सबसे बड़ा साइज ही है, 900 स्क्वायर फीट वाला जो है 50 से 65 की रेंज में मिल जाएगा। आप जिसने घर में जितना काम करा रखा है उस हिसाब से वो अपनी कीमत लगाएगा, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि बिल्डर ऑलमोस्ट सारे बेच चुका है, केवल जो रह रहे हैं वही बेच रहे हैं, बट सबके ऑलमोस्ट नियर बाई रहते हैं। तो 2BHK आपने लेना है मान के चलो, तो आपको मिल जाएगा, आप 55 लाख जिम में लेके घूमो 55 से 65 के बीच में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं 3BHK पे, 3BHK आपने लेना है तो 3BHK के लिए आपको लेने पड़ेंगे 75 लाख से लेकर करीब करीब 90 लाख के बीच में, इसी बीच में अपना फ्लैट भी है, लेकिन हमने जब खरीदा था तब इतना नहीं था, यहाँ प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेज बढ़ रहे हैं। आप ये मान लो, मैं आपको एक मोटा मोटी बता दूं, जब से हमने घर लिया है तब से घर मुझे करीब करीब महीने के कुछ नहीं तो 70-80 हज़ार रुपये महीने दे रहा है। अब आप हिसाब लगा लीजिएगा कि मैंने कितने का ले लिया होगा और कितने रुपये पे मेरा चल रहा है, ठीक है जी। तो ये आपको अभी करंटली 75 से 90 के बीच में चाहिए तो आपको 3BHK मिल जाएगा। ये तो गई सोसाइटी की बात, लेकिन मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बता दूं, इस सोसाइटी की ही कीमत यहाँ पूरे एरिया में सबसे सस्ती है।
अब ये सस्ती क्यों है, इसके पीछे रीजन तो किसी को नहीं पता है। रीजन मेरे को जो लगता है, इसमें बहुत ज्यादा घर बने हुए हैं। बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है कि एक तो ये पूरा एरिया ही इस बिल्डर का ही है, ठीक है, पूरा एरिया मतलब आसपास की जितनी और भी सोसाइटी है ना, उनको भी इन्होंने ही जमीन बेची है। और इनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, मतलब यहाँ आसपास सारे रेजिडेंट्स ऑलमोस्ट इन्हीं के हैं जिस बिल्डर में हमें, ठीक है। तो ये हो गई आपके लिए अपडेट। अब अगर आपको किसी और सोसाइटी में नियर बाय चाहिए तो आपको 3 BHK के लिए 1 CR के ऑलमोस्ट नियर या उससे अबव ही चाहिए, 1 CR से नीचे में नहीं है। और 2 BHK लेना है तो वो मिलेगा आपको 65 से करीब 85 के बीच में, यानी कि जो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 3 BHK 85 के आसपास मिल जाएगा, वो और जगह आपको 2 BHK पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है बहुत यहाँ से, मतलब और जगह, मतलब यहीं पे जो और सोसाइटीज हैं और इसमें, बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह, बिल्ड क्वालिटी इन मीन अगर आप मतलब बिल्डिंग में खड़े हो और आपको फील लेना है तो आपको मजबूती लगेगी अलग ही लेवल की, वो बहुत अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं है। और हमें तो सबसे ज्यादा अच्छा बालकनी का व्यू लगा, वो मैंने आपको दिखाई रखा है। तो कीमत मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दी, हमने अक्टूबर में लिया, रेंट पे चढ़ाया। रेंट पे चढ़ाने के पीछे रीजन ये था कि भैया पैसा आ जाए, जो लोन लिया वो लोन चुका दें, मतलब बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल टर्म में कुछ स्थिति बिगड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने लोन वोन क्लियर कर दिया और रेंट से भी पैसा ले लिया अच्छा खासा अपनी, मतलब ठीक ठीक। और फिर अब खुद रह रहे हैं, अभी अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं है इस फ्लैट का। और अभी आपके सामने हमने एक ऑफिस खरीदा है, उस ऑफिस की प्राइसिंग भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वही बता देंगे। एग्जैक्ट अमाउंट मैंने नहीं बताया, बट मैंने ऑलमोस्ट आपको हिंट दे दी है पूरी, अब आप कैलकुलेशन लगा सकते हो, सिंपल सरल भाषा में मैंने बता दिया है। शायद अब सब सारी सबकी क्वारी खत्म हो गई होंगी, अब आपको जितने पैसे मुझे ट्रांसफर करने कर दीजिएगा, बाकी तो ठीक है। और अभी भी कोई सवाल हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में, उसका भी जवाब आएगा। ये ब्लॉग चैनल है इसलिए आपके सवाल मेरा जवाब, अभी चाय फैल जाती मेरी, मेरा दिमाग खराब हो जाता क्योंकि साफ भी मैंने करनी पड़ती, फिर चाय ठंडी होगी पूरी यार। चलो तो मैं आपको वो दिखाता हूँ जो अमेजोन से वो आया, क्या कहते हैं, ऑर्डर आया है। अब सोसाइटी का नाम पूछेंगे बहुत सारे लोग, अब पूछेंगे घर का एड्रेस। भाई ये मान लो आपका ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे लोगों ने गैस भी कर लिया है, सही लोकेशन भी बता दिया एकदम, बहुत सारे लोगों ने। तो घर खरीदने के बाद जो हमने अप्रैल में काम चलवाया था ना, उसमें हमने पेंट करवाया, लकड़ी का काम करवाया, फॉल सीलिंग करवाई, पंखे खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदी, मतलब सब कुछ नया ही लिया। जिस बेड पे मैं बैठा हूँ ये बेड बनवाया, जो उस रूम में वो भी, जो टेबल है वो सब हमने, मतलब आपको पता ही है सब लिया है हमने। तो इसका भी पैसा खूब लग गया, वो भी तो जान के जाओ, अब जब जा नहीं रहे हो तो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पेंट का हमारा पूरे घर में लगा करीब 80,000 रुपये करीब, ठीक है। लकड़ी का काम सबसे महंगा हुआ था, करीब लकड़ी का और पेंट का मिला के हमारा 2.5 लाख के करीब का कुछ पैटा, या 2 लाख, पता नहीं 2,05,000 या 2.5 लाख के करीब का। फिर ये छोटे छोटे सामान है जैसे बाहर का कुर्सी टेबल हो गया, अंदर की टेबल हो गई दोनों, ये सारी चीज़ें आई, फ्रिज वॉशिंग मशीन, तो ओवरऑल इन सब में मिला के करीब करीब हमारा 4 लाख और ऊपर से खर्च हो गया होगा। इन सब का प्राइस बता सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये जो बेड है ना दोस्तों, सबसे महंगा अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट की बात करूँ, पेंट और एक साथ, वो तो हमने ऑर्डर दे दिया था, अगर हम मैंने जो एक एक प्रोडक्ट खरीदा उन सब में सबसे महंगा ये बेड ही है। क्योंकि जो लकड़ी का काम करवा रहे हैं उन्हें पता होगा कि भाई लकड़ी का काम कितना महंगा हो रहा है आजकल, तो लकड़ी के काम में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। सेंचुरी की प्लाई लगी हुई है इसमें पूरी की पूरी, खुद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने का लग गया होगा। और अब हम एक टीवी लेने की सोच रहे हैं, टीवी रिकमेंड करो कौन सी ली जाए। मैं इंच बता दे रहा हूँ, करीब 55 इंच की सोच रहे हैं, 55 या 60, क्योंकि टीवी पैनल हमने उतना ही बनवाया है ना, उससे छोटी लेंगे तो भी बुरा सा लगेगा और बड़ी लेंगे तो बनेगी ही नहीं खैर। और मेरी नज़र में है भाई सोनी की ब्राविया है एक, 74mm या 75mm, वो मैं, मेरे को पसंद आ रही है, पैसे होते ही वो लूंगा। बाकी आप लोगों की नज़र में कौन सी बेस्ट टीवी हो सकती है अपने एक्सपीरियंस से वो भी बताना आप। तो दोस्तों ये आ चुका अपना पार्सल, इसे फटाफट से ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसी निकली टी शर्ट, पहन के देखेंगे। पिछली बार वाली तो झूला आ गई थी, ठीक है, इस बार वाली ठीक आई है नहीं आई है चेक करते हैं। लेट्स, एक दो दिन और अभी पार्सल आने हैं, मैंने कुछ और भी ऑर्डर करा है, खूब सारा मामला। पहले तो आप मुझे बताओ कौन सा कलर बेस्ट, वो चार हैं दोस्तों, मैंने चार कर दी थी, मुझे लगा 3 है, अच्छा हाँ 4 ही 3 सही बात है। आप, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, चारों के कलर बताना सबसे बेस्ट कौन सा लगा, ठीक है। एक ये अपनी काले रंग की है, मेहरून है, येलो है और ग्रे है, आप बताइए आपको इनमें सबसे प्यारा कलर कौन सा लग रहा है। मैं पर्सनली अपना फेवरेट बताऊं तो फेवरेट तो मेरे को ग्रे लगता है इनमें, बाकी मेहरून भी अच्छी लग रही है, बाकी ये चारों कलर में चारों ही सही लग रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहे हैं ठीक ठाक। अब मैं पहन के देखता हूँ साइज़ वगैरह ठीक है या नहीं है, सबसे पहले कौन सी ट्राई करूँ बताओ। चलो ग्रे वाली पहनते हैं आज, आज अगर सही बैठ गई तो आज रात में ग्रे पहन के ही घूमेंगे।
साइज तो ठीक है पर कपड़ा इतना हल्का है ना, इतना हल्का ऐसा लग रहा है जैसे रद्दी का माल है। मतलब यही प्रॉब्लम है अमेजोन से कपड़े ऑर्डर करने में ना, घर में जब आता है तो कपड़ा बिल्कुल खराब निकल जाता है कई बार, पर ठीक लग रही है। चलो पहन के, वैसे ही मैंने कौन सा ऐसा पहन के जाना हूं मैं तो, सोने के लिए गर्मियों के हिसाब से तो परफेक्ट एकदम, बहुत हल्की है और साइज भी ठीक ही लग रहा है ना। चलो सारी पास हो गई, अब ये देखो कूड़ा कितना हो गया। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे अंत। ये हैं अपनी सारी टी शर्ट्स, ये वाली अपन ने रात में भी पहननी है, ये तीन मैंने अभी रख देनी है अलमारी में, और घर का प्राइस वगैरह मैंने बता ही दिया। ऑफिस का प्राइस भी मैं आप सभी के साथ जल्दी शेयर करूंगा। और हाँ, अपना ऑफिस का BBA यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है वो आई थिंक कल तक बन के आ जाएगा, कल है अपनी 9 अगस्त तो आएगा, तो वो भी उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बने रहिए चैनल के साथ, और सब्सक्राइब शेयर लाइक जो करना है कर दो यार, कर दो। बाय।